नमस्कार दोस्तों, नौकरियान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार हम आपके लिए एक और नई वैकेंसी लेकर आ रहे हैं जो निकली है 12वीं बेस पर। अगर आपने 12th कर रखी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी है, सैलरी आपकी 38,000 रहेगी और मतलब बढ़ती रहेगी। 38,000 एक टाइप से आप ये लगा लीजिए स्टार्टिंग ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद। सभी राज्य इसके लिए योग्य हैं और ये लगा लीजिए 12th बेस पर ये सबसे ज़बरदस्त नौकरियों में से है। आपका इंतज़ार ख़त्म। हम जिस नौकरी के बारे में बात करने वाले हों हम आपको अभी दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपकी 20 सेकंड लेना चाहूँगा केवल। दोस्तों, अन अकेडमी के बारे में आप सभी को पता होगा, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो नीचे हमारे नाम से लिंक दिया होगा अन अकेडमी का, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं वहाँ से। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की अगर आप तैयारी करना चाहें तो आप वहाँ से तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो। तो नीचे लिंक दिया है, आप उसे फॉलो करके अन अकेडमी आप डाउनलोड कर लें और वहाँ से तैयारी कर लें। अब चलते हैं सीधा आपके जो जॉब्स के नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, ये देखिए आपकी जो जॉब निकली है वो निकली है इंडियन एयरफोर्स में एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके आवेदन शुरू होंगे। कब से आपको फॉर्म भरना है? 2 जनवरी से आपको फॉर्म भरना है और 21 जनवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है ये देखिए, इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है airmanselection.cdac.in से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये दी गई है फॉर्म की डेट 2 जनवरी से 21 जनवरी तक आप इसे भर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो एक्स ग्रुप है, एक वाई ग्रुप है। एक्स ग्रुप मतलब टेक्निकल और वाई ग्रुप मतलब नॉन टेक्निकल ग्रुप। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिए। डेट ऑफ बर्थ आप 19 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 के बीच होने चाहिए आपकी जो एज है, ठीक है। ग्रुप एक्स के लिए आपके पास 10+2 होनी चाहिए या कोई इक्विवेलेंट एग्जाम आपने पास किया हो विद PCM फिजिक्स मैथ और इंग्लिश के साथ। और एग्रीगेट आपके 50% होने चाहिए, मतलब तीनों मिला के 50% होने चाहिए और इंग्लिश में भी आपके 50% होने चाहिए। यह है एक्स ग्रुप के लिए। या फिर आपने कोई भी 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो इंजीनियरिंग में या किसी भी स्ट्रीम में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आप पॉलिटेक्निक में हो आपके, ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। ग्रुप वाई के लिए अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल के लिए, तो उसके पास आपके पास 10+2 होना चाहिए। उसमें आपको फिजिक्स मैथ वगैरह नहीं चाहिए, तो उसमें आपको चाहिए जो अगर आपने आर्ट से कर रखी, किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी, वो कोई मैटर नहीं करता। आपके पास 10+2 पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 50% आपका इंग्लिश में होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपके 50% होने चाहिए। तो एक्स ग्रुप के लिए आपके पास मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होने चाहिए और वाई ग्रुप के लिए ओनली इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए और एग्रीगेट 50%, ये आपके होने चाहिए एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप में एक मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड है, उसके लिए आपके पास 10+2 में 50% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ, ठीक है। 50% इंग्लिश में कम से कम आपके पास होने ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो डिप्लोमा होल्डर क्या है, एक्स ग्रुप है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो और बात करते हैं इसमें, तो यहाँ देखिए इसमें जो ट्रेड वगैरह बताया गया है मेडिकल वगैरह के बारे में, तो यहाँ देखिए आपकी हाइट होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट अगर आपकी काफ़ी कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चेस्ट आपकी कितनी भी हो, बस 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, बस यही चीज़ इसमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी जो है वो मेडिकल का वो बाद में देखेंगे। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है कहाँ से, www.airmanselection.cdac.in। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो इसमें बताया गया है टेन्योर ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बताया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं खुद भी। तो अब जॉब के बारे में आपको बता दूँ, पे एंड अलाउंसेस जैसे ट्रेनिंग पर आपको मिलेगा 14,600 रुपये और जैसे आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो 33,100 रुपये मिलेगा, प्लस आपका जो डीए वगैरह रहेगा तो आपके 38,000 मतलब स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और आपकी सैलरी जो है सर्विस के साथ बढ़ती रहेगी। वाई ग्रुप में आपको 6,000-7,000 रुपये कम मिलेंगे, तो ये आप लगा ले सकते हैं। अदर जो अलाउंस हैं वो अलग रहेंगे, ठीक है। तो प्रमोशन आपका जो है वो आप देख सकते हैं इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपके बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि आपका एग्ज़ाम वगैरह कब होगा, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने आपको ये डेट बताई कि आपका ऑनलाइन आपको फॉर्म कब भरना है, तो 2 जनवरी से 21 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो सारे यहाँ दिए गए हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर, यहाँ से आप वीडियो को रोक लीजिए और सारी चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बतानी थी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जैसे ही जॉब लेने के लिए आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी जॉब ये है और 12th बेस पर सबसे जो ज़बरदस्त जॉब है उनमें से एक है ये। तो इसके लिए अगर आपने 12th कर रखे और आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपने दोनों चीज़ कर रखे तो आप एक्स वाई दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहाँ पर आकर हमसे डायरेक्ट बात कर सकें। अन अकेडमी के लिंक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए।